हेलो हाय दोस्तों, इस वीडियो में अपन मल्टीप्लाइंग ट्राइनोमियल बाय ए मोनोमियल करेंगे। ट्राइनोमियल मीन्स व्हाट? थ्री टर्म्स, सो 2x² ये फर्स्ट टर्म हो गया, -7x सेकेंड टर्म हो गया, थ्री इज थर्ड टर्म हो गया और मोनोमियल एक्स है। ओके, सो मल्टीप्लाइंग ट्राइनोमियल बाय ए मोनोमियल ये कैसा होता है मल्टीप्लिकेशन अपन देखेंगे। जस्ट अगर डिस्ट्रीब्यूटिव वाला अपन जैसा पिछले में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, सेम इधर भी सेम वही अपने को फॉलो करना है। एक्स को 2x² के साथ मल्टीप्लाई करना है, एक्स इंटू 2x² प्लस एक्स इंटू -7x, एक्स इंटू -7x प्लस एक्स इंटू 3। देखिए जो भी x है ये सब में डिस्ट्रीब्यूट करना है, x इंटू 2x² प्लस x इंटू -7x प्लस x इंटू 3। ओके, नाउ क्या करेंगे अपन, x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है अपने को 2x³ होता है। सेम वे ये क्या होता है, x इंटू -7x प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, -7x² हो जाता है। ओके, सो 3 × x क्या होता है, 3x होता है। सो ये जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है सिंपल टर्म लेकर। सो मोनोमियल बाय ट्राइनोमियल अपने को 2x³ -7x² प्लस 3x अपने को ये इसका सॉल्यूशन आता है। ओके, सो और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे मल्टीप्लाइंग ट्राइनोमियल बाय मोनोमियल। सो ऐसा भी कुछ क्वेश्चंस आता है, क्या बोल रहा है, ऐड द प्रोडक्ट, ये एक्स क्या है, मोनोमियल है, एक्स प्लस वाई प्लस आर। सो इसमें थ्री टर्म्स है, एक्स वाई प्लस आर, ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म। सो ये ट्राइनोमियल बाय मोनोमियल हो रहा है। सेम वे क्या बोल रहा है, ऐड द प्रोडक्ट, ये जो भी प्रोडक्ट आता है इसको ऐड करना है और ये भी जो भी प्रोडक्ट आता है इसको ऐड करना है, ये सब कुछ मिला के फाइनली आंसर लेकर आना है। सो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू आर। कुछ भी नहीं करे अभी अपन यहाँ तक, जस्ट अपन डिस्ट्रीब्यूट करें, एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू आर। सो क्या बोल रहा है, जस्ट ऐड द प्रोडक्ट्स बोल रहा है ना। सो दोनों के बीच में अपन क्या करेंगे, प्लस ले लेंगे और वाई इंटू एक्स सेम वे वाई इंटू माइनस वाई वाई इंटू आर। ओके, इधर भी एक प्लस ले लेंगे, थर्ड के लिए इधर एक प्लस ले लेंगे, थ्री इंटू सॉरी z इंटू एक्स प्लस जेड इंटू माइनस वाई, जेड इंटू माइनस वाई प्लस जेड इंटू माइनस जेड। ओके, कुछ भी नहीं करे, जस्ट अपन डिस्ट्रीब्यूट करें, वन मोर टाइम आई एक्सप्लेन, एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू आर, ये फर्स्ट वाले का यहाँ तक हुआ। सो क्या बोल रहा है, ऐड द प्रोडक्ट बोल रहा है, ऐड द प्रोडक्ट बोलने से अपन क्या करें, इधर प्लस ले लिए, दोनों के बीच में एक प्लस ले लिए और इधर क्या करें, वाई इंटू एक्स, वाई इंटू माइनस वाई, वाई इंटू आर, और ये इन दोनों के बीच में भी एक अपन एक ऐड कर लिए। सो दैट प्लस लगा लिए, जेड इंटू एक्स, जेड इंटू माइनस वाई, जेड इंटू माइनस जेड। ओके, सो फर्स्ट अपन को क्या आता है, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आता है। इन द सेम वे एक्स इंटू वाई, एक्स वाई होता है, एक्स इंटू वाई, एक्स वाई होता है और एक्स इंटू आर, एक्स आर होता है। ओके, सो वाई इंटू एक्स क्या होता है, एक्स वाई भी लिख सकते हैं और वाई एक्स भी लिख सकते हैं अपन, और अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, डायरेक्टली अपन माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं,
और एक एक भी टर्म बचवाए अपने को, सो वाई बी इंटू आर वाई आर होता है। ओके सो इधर भी लिखेंगे एक्स जेड इंटू एक्स, कैसे लिख सकते हैं, एक्स इंटू जेड भी लिख सकते हैं, जेड इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, अपन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख रहे हैं। सो जेड इंटू वाई माइनस वाई जेड, माइनस वाई जेड इंटू प्लस बोलते क्या होता है, अगेन माइनस ही आता है, माइनस वाई जेड आता है, प्लस इंटू माइनस अगेन माइनस, जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर। सो नाउ अपन क्या करेंगे, ब्रैकेट जो भी है ओपन कर देंगे पूरा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स आर, एक्स आर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई आर प्लस एक्स जेड माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर। ओके कुछ कॉमन टर्म्स है क्या अपन देखेंगे इसके अंदर, एक्स स्क्वायर एक है, एक्स स्क्वायर कुछ भी नहीं है, एक्स वाइव है, इधर एक एक्स वाइव है, और अपने को इधर एक एक्स वाइव है, इधर एक एक्स वाइव है, जस्ट दोनों एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई क्या होगा, टू एक्स वाई, ये भी ख़त्म हो गया, बचा क्या एक्स आर, एक्स आर कुछ कहीं पर भी नहीं है अपने को, सो एक्स आर की जगह में एक्स आर लिख देंगे, ये तो अपने ऐड कर लिया दोनों, जस्ट माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपने को किधर भी नहीं है, सेम वे वाई आर कहीं पर भी नहीं है, और एक्स जेड नहीं है, माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर, सो ये आपका आंसर है। ओके ऐसा भी कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है, सब्ट्रैक्ट थ्री के इंटू फाइव के माइनस एल प्लस थ्री एम फ्रॉम सिक्स के इंटू टू के प्लस थ्री एल माइनस टू एम। सो मोनोमियल बाई ट्राइनोमियल का केस ही चाहिए भी, मोनोमियल बाई ट्राइनोमियल का केस है। ओके सो क्या बोल रहा, फ्रॉम, सो इसके जो भी इसका प्रोडक्ट आता है इसके प्रोडक्ट में से इसका प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट करना है, और इसको अपन को फाइनली एक आंसर लेकर आना है। सो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट अपन ये प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे, सिक्स के टू के प्लस थ्री एल माइनस टू एम। ओके और अपन इसको लिखते, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिक्स के इंटू टू के प्लस सिक्स के इंटू थ्री एल प्लस सिक्स के इंटू माइनस टू एम, सिक्स इंटू टू ट्वेल्व, ट्वेल्व के इंटू के इस क्या होता है, ट्वेल्व के स्क्वायर प्लस सिक्स इंटू थ्री एटीन के एल प्लस सिक्स इंटू टू ट्वेल्व दैट इज माइनस ट्वेल्व के एम, और अपन कैसे लिख सकते हैं, ट्वेल्व के स्क्वायर प्लस एटीन के एल प्लस इंटू माइनस माइनस ट्वेल्व के एम, ये अपने को फर्स्ट इसका प्रोडक्ट आ गया है। ओके सो इन द सेम वे अपन क्या करेंगे, थ्री के इंटू फाइव के माइनस एल प्लस थ्री एम का भी प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन है, थ्री के इंटू फाइव के माइनस एल प्लस थ्री एम, क्या करेंगे, फर्स्ट थ्री के इंटू फाइव के प्लस थ्री के इंटू माइनस एल प्लस थ्री के इंटू थ्री एम। ओके सो अभी क्या करेंगे अपन, थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन के इंटू के के स्क्वायर प्लस थ्री माइनस थ्री के एल प्लस थ्री इंटू थ्री नाइन के इंटू एम के एम। ओके अभी अपन क्या करेंगे, फिफ्टीन के स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस थ्री के एल प्लस नाइन के एम, सो ये सेकेंड इक्वेशन। सो अपना क्या बोल रहा है,
इधर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सप्रैक्ट 3k 5 3k इनटू 5k माइनस l प्लस 3m फ्रॉम 6k इनटू 2k प्लस 3l माइनस 2m बोल रहा है ना। सो अपन क्या करना है, जो भी इक्वेशन फर्स्ट आया उसमें से अपन को सेकेंड इक्वेशन को सप्रैक्ट करेंगे। ओके सो अपन इधर लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन क्या है, इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू करेंगे। इक्वेशन वन क्या है, 12k² प्लस 18kl माइनस 12km। ओके सेम वे सेकेंड इक्वेशन क्या आया अपने को, 15k² माइनस 3kl प्लस 9km। 15k² माइनस 3kl प्लस 9km। और ये बोल रहा है सप्रैक्ट, सप्रैक्ट मीन्स व्हाट, माइनस प्लस जाके माइनस होता है, माइनस इनटू माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है। सो टोटली क्या होता है, ये माइनस और माइनस होके प्लस हो जाता है और ये वो होता है व्हाट, माइनस हो जाता है। ओके 12k² माइनस 15k² क्या होता है, माइनस 3k², क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, इधर माइनस 15 है इधर प्लस 12 है, सो माइनस 3k² और ये पहले माइनस था अभी माइनस होकर क्या होता है टोटली प्लस हो जाता है। टोटल प्लस मीन्स 18kl प्लस 3kl कितना होता है, प्लस 21kl। और इधर भी माइनस, इधर भी माइनस है, सो इधर भी क्या होता है माइनस 21km। ओके 21km। सो अपना फाइनल आंसर क्या आता है, माइनस 3k² प्लस 21kl माइनस 21km इसका फाइनल आंसर है। ओके और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इधर भी ऐसा भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, सिंप्लीफाई a² इंटू ए माइनस बी प्लस सी, ये भी एक ट्राइनोमियल इंटू मोनोमियल है, प्लस b² ए प्लस बी माइनस सी माइनस c² ए माइनस बी माइनस सी। सो जो भी है ये ट्राइनोमियल इंटू मोनोमियल, ट्राइनोमियल इंटू मोनोमियल का केसेस है, सो अपन सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई करो बोल रहा है, जस्ट अपन क्या करना है, इसको a² इंटू ए माइनस बी को अपन डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो a² इंटू a² इंटू ए प्लस a² इंटू माइनस बी a² इंटू माइनस बी प्लस a² इंटू सी a² इंटू सी, इतना हो गया है। नेक्स्ट b² इंटू ए द सेम वे व्हाट, b² इंटू बी प्लस b² इंटू माइनस सी एंड माइनस अपन कॉमन लेंगे प्लस प्लस इंटू माइनस c² इंटू ए, माइनस c² इंटू ए करेंगे, फिर प्लस ले लेंगे माइनस c² इंटू माइनस बी प्लस माइनस c² इंटू माइनस सी, माइनस c² इंटू ए माइनस c² इंटू माइनस बी माइनस c² इंटू माइनस सी। अभी अपन क्या करेंगे, a² इंटू ए क्या होता है a³, a² इंटू a³ और माइनस a² b हो जाता है, ये माइनस a² b। सेम वे क्या लिख सकते हैं, a² c प्लस b² a इंटू बोलता a इंटू b² भी लिख सकते हैं और b² a भी लिख सकते हैं, सो ab² अपन लिखेंगे। सेम वे प्लस b² इंटू b³। ओके सो प्लस अगेन व्हाट, प्लस इंटू माइनस माइनस b² इंटू माइनस b² इंटू c लिखेंगे, माइनस c² इंटू a लिखेंगे। ओके और यू कैन राइट इट, और अपन कैसे लिख सकते हैं, a इंटू c² भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है इधर, प्लस b प्लस c स्क्वायर b लिखेंगे,
माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, सो माइनस नहीं आता है, इधर भी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, सी स्क्वायर इंटू सी क्या होता है, सी क्यूब हो जाता है, ए क्यूब लिखेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस ए स्क्वायर बी लिखेंगे, प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस प्लस बी क्यूब प्लस इंटू माइनस माइनस बी स्क्वायर सी प्लस इंटू माइनस माइनस सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी प्लस सी क्यूब। सो इसमें कॉमन टर्म्स क्या है पहले ओपन वो देखने के लिए कोशिश करेंगे। इधर ए स्क्वायर बी है, इधर ए बी स्क्वायर है, सो ये कॉमन नहीं होता, कुछ भी कॉमन नहीं है। सो इधर ए स्क्वायर सी है, इधर सी स्क्वायर ए है, सो ये भी कॉमन नहीं है, ए बी स्क्वायर नहीं है, बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर, सो कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके, सो ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है। और अपन इसको अल्फाबेटिकल वे में भी अरेंज कर सकते हैं, जैसे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, फर्स्ट माइनस ए स्क्वायर बी करेंगे, ए स्क्वायर बी करेंगे, ओके, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, प्लस ए बी स्क्वायर करेंगे, उसके बाद में ए स्क्वायर सी करेंगे, माइनस बी स्क्वायर सी माइनस सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। ये यार आपका फाइनल आंसर है। ओके, थैंक यू, और भी अपन कुछ पढ़ेंगे इस चैप्टर में अगले वीडियोस में। थैंक यू।